हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वेलकम टू शिंदे केमिस्ट्री टेक्निक्स आज की जो ट्रिक है उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर क्या नाम है इसका बॉन्ड ऑर्डर पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आज ये ट्रिक आपको बताता हूँ काफ़ी नीट जे डबल ई जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के सीट दे रहे उनको भी काम आई गई है ठीक है सभी के लिए बना रहा हूँ मैं जरा ध्यान से देखिए बॉन्ड ऑर्डर का मतलब पहले समझते हैं होता क्या है मैंने सब लिख दिया है टाइम बचा रहा हूँ आपका मैं बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम जितने बॉन्ड्स होंगे दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड दो वन ऑर्डर टू बॉन्ड है तो टू ऑर्डर थ्री है तो थ्री ऑर्डर ऐसा रहता है उसको बोलते हैं अब यहाँ पे दो पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है कि बॉन्ड ऑर्डर में भी फ्रैक्शंस में हो सकते हैं जैसे लाइक 1.5, 2.5, 1.25 टू फाइव वन लिखा मतलब फ्रैक्शन में भी होते हैं बॉन्ड ऑर्डर और याद रखना बॉन्ड ऑर्डर इज अ हाई मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल बॉन्ड ऑर्डर इज हाई जितना ज्यादा हाई होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना मॉलिक्यूल क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा यह पॉइंट आप क्लियर होना चाहिए अब देखिए ट्रिक क्या है यहां पर मैंने लिखे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं दिख रहे हैं अभी आपको अभी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन लिखा ये मेरा बेस पॉइंट है और यहाँ पे लिखा बॉन्ड ऑर्डर हाँ ये दिख देखना फोरटीन जो है इसका थ्री है फोर्टीन का होता है बॉन्ड ऑर्डर थ्री आप चाहो निकाल के देख सकते हो फोर्टीन ठीक है ना तो इसका थ्री है बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ से मैं लिखा है माइनस पॉइंट मतलब यहाँ से आपको पॉइंट फाइव कम करते करते जाना है और नीचे पॉइंट फाइव कम करते जाना है बराबर कि नहीं मतलब ये बे, बेस है आपका फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्टीन का जो बॉन्ड ऑर्डर थ्री है अब इसमें से हमने पॉइंट फाइव कम कर दिया तो हो गया टू पॉइंट फाइव मतलब इलेक्ट्रॉन की तो थर्टीन होगा तो टू पॉइंट फाइव ट्वेल्व होगा तो टू इलेवन होगा तो वन पॉइंट फाइव टेन होगा तो वन और नाइन होगा तो वन पॉइंट फाइव वैसे अभी नीचे आएंगे तो फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन है टू पॉइंट फाइव सिक्सटीन है तो टू सेवेंटीन है तो वन पॉइंट फाइव एटीन है तो वन और नाइनटीन है तो पॉइंट फाइव तो मतलब यहाँ से ये बेस है ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है ये ठीक है ना अगर फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है तो थ्री फोर्टीन से आपको ऐसे ही याद रखें मन में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन आ गए निकाल इलेक्ट्रॉन निकालने तो आता होगा आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फोर्टी इलेक्ट्रॉन तो थ्री फोटीन के ऊपर गया तो थर्टीन तो पॉइंट फाइव कम किया पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव कम करते जाना अपने तो ऐसा माइंड में रख लीजिए इसको तो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन मेन है बेस लाइन आपकी फोर्टी है उसका थ्री है बॉन्ड ऑर्डर ठीक है ना और उसके ऊपर जाएंगे फोर्टीन के अगर, अगर, अगर कम करते जाएंगे तो पॉइंट फाइव पॉइंट से कम करना चेगे तो पॉइंट फाइव से कम करते जाना है। और एक एक्सेप्शन याद रखना आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ प्लस है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है थ्री पॉइंट फाइव इसको छोड़कर बाकी सब आप आराम से निकालेंगे ये एक्सेप्शन है सी ओ प्लस का बस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इसका बाउंडी थ्री पॉइंट फाइव होता है यहां थ्री पॉइंट फाइव नहीं है थ्री से स्टार्ट किया मैंने ठीक है आपको कोई कंफ्यूजन तो थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं तो ये देख लीजिए इसको आप कुछ कंफ्यूजन है तो देख लीजिए कर लीजिए इसको नोट डाउन ओके अब हम जरा कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं जिससे अपना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रिक याद होगी आपको 14 इलेक्ट्रॉन याद रखना है उसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री और ऊपर जाएंगे तो माइनस करना है 0.5 से तो कितना होगा टू पॉइंट फाइव और माइनस कर दे तो टू और माइनस कर देते वन पॉइंट और माइनस कर दो कितना होगा वन और कर देते पॉइंट फाइव ऐसे नीचे आएंगे फोर्टीन मतलब फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटी तो पॉइंट फाइव से कम कर बहुत ईजी ट्रिक है और एक ही एक्सेप्शन है उसका याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन सी ओ प्लस का थ्री पॉइंट फाइव बॉन्ड ऑर्डर है ये ध्यान रखना है बस आपको ठीक है ना और बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम है कि जितने उसके अंदर बॉन्ड्स होंगे उतना उसका ऑर्डर होता है इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू से डिवाइड करते हैं तब आपका आंसर आता है उसे ये ट्रिक है ये शॉर्टकट ट्रिक है ये तो इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा सब मैं के लिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन डो ऑक्साइड टोटल टो नंबर इलेक्ट्रॉन फोर्टीन कैसे फोर्टीन बताता हूँ कार्बन का कितना है सिक्स इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास और ऑक्सीजन कितने अटैक नंबर याद रखिए मतलब इलेक्ट्रॉन उतने इसका सिक्स इसका एट कितना हो गया सिक्स और एट कितना हो गया फोर्टीन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन से मतलब फोर्टीन कितना है थ्री बॉन्ड ऑर्डर आया समझ में अब देखो एनओ नाइट्रोजन कितना होता है सेवन ऑक्सीजन का होता है एट दोनों का को प्लस कर दो कितना जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन आ गया आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो फिफ्टीन मतलब फोर्टीन से नीचे आ गया तो टू पॉइंट फाइव आ रहा है कि नहीं देखा फिर एनओ प्लस एन नाइट्रोजन का कितना सेवन ऑक्सीजन कितना एट कितना हो गया यहाँ पे हो गया फिफ्टीन लेकिन प्लस चार्ज है प्लस में एक माइनस करना पड़ेगा मतलब कितना आ जाएगा फोर्टीन एक माइनस कर दो उसको एक प्लस प्लस में माइनस करना एक प्लस चार्ज है तो एक माइनस दो प्लस है तो दो माइनस तीन प्लस है तो तीन माइनस माइनस में ऐड करना पड़ेगा आपको प्लस में माइनस करना पड़ेगा आपको ठीक तो है ना इलेक्ट्रॉन निकल तो आपका यहाँ आ गया फोर्टीन फिफ्टी आ गया फोर्टीन इलेक्ट्रॉन आ गया फोर्टीन का थ्री बॉन्ड ऑर्डर है उसके बाद फिर ओ टू एक ऑक्सीजन का सिक्स एट uh, uh, होता है दो का कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो सिक्सटीन बराबर लिखा हुआ है एट प्लस एट एट प्लस एट कितना हो जाएगा सिक्सटीन करके दिखा देता आपको मैं और 16 मतलब 14 का 3, 15 का कितना होता है 2.5 और 16 का 2 आ गया कि नहीं फिर ओ टू प्लस ओ टू तो एक ऑक्सीजन का अब अभी नहीं 16 सिक्सटीन प्लस है मतलब एक कम 15 आ गया ना अभी दो ऑक्सीन मतलब एक का एट जा सिक्सटीन एक प्लस वन है मतलब माइनस कर दो तो फिफ्टीन फिफ्टीन मतलब फोर्टीन का थ्री नीचे आए तो टू पॉइंट फाइव बराबर है उसके बाद ओ टू माइनस एक ऑक्सीजन का एट दो का सिक्सटीन सिक्सटीन में से अभी माइनस है तो दो प्लस कर दो तो सिक्सटीन प्लस टू एटीन एटीन का वन क्योंकि फोर्टीन का कितना है थ्री और फिफ्टीन का टू पॉइंट फाइव सिक्सटीन का टू सेवेंटीन का कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव और एटीन का हो जाएगा आपका वन आ जाएगा ऐसे करते जाना आपको फिर ओ टू माइनस वन है ये सुपर ऑक्साइड है तो अब इसमें एट एट सिक्सटीन और वन सेवनटीन सेवनटी का वन पॉइंट फाइव आ जाएगा अभी आपको ऑर्डर समझ आ गया और सी एन माइनस का एक कार्बन का सिक्स नाइट्रोजन का सेवन सिक्स और सेवन फोर्टीन और वन सॉरी सिक्स है और सेवन थर्टीन हो रहा है और वन आपको प्लस करना पड़ेगा इसमें तो हो जाएगा फोर्टीन तो फोर्टी इलेक्ट्रॉन से मतलब थ्री फोर्टीन का थ्री आ रहा है आ रहा है कि नहीं अभी देख लीजिए कोई कन्फ्यूज़न अब इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है इसके अंदर देख लीजिए और एक क्वेश्चन भी आपको देख करा देता हूँ मैं आपको ये क्लियर हो गया आपका सभी का एक क्वेश्चन भी कर लेके देख लेते हैं अभी है। तो उससे भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी एक क्वेश्चन देता आपको मैं ऐसे तो काफ़ी हो गया है ये उतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फिर भी एक क्वेश्चन देता हूँ अब आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं एक क्वेश्चन पर देता हूँ फिर ऐसे लगा तो फिर मैं एक और क्वेश्चन दे सकता हूँ और एक देखिए अभी एक क्वेश्चन जो पहले आ चुका है कॉम्पिटर एग्जाम में मैं कॉम्पिटर एग्जाम का नाम नहीं लेता मैं यहां पर ऐसा दिया देखो द स्पीसीस द स्पीसी हैविंग द स्पीसीस हैविंग बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम दैट इन कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए इसके चार ऑप्शन ऐसे दिए हुए उन्होंने एन ओ माइनस बी ऑप्शन है एन ओ प्लस सी ऑप्शन है सी एन माइनस और डी ऑप्शन है एन टू बराबर है कि नहीं तो अभी सी ओ का पहले हम देख लेते कितना होता है सी ओ का कितना होगा आप बताइए पहले निकाल चुके कार्बन सिक्स और ये ऑक्सीजन एट सिक्स और एट कितना फोर्टीन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है थ्री फोर्टीन इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर थ्री हमको याद है ठीक है अब इसका निकाल के देखते हैं इसका कितना है देखो अभी इसका सेवन और एट कितने हो गए फिफ्टीन और वन सिक्सटीन है इसके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन कितने सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स है मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा फोर्टीन का थ्री फिफ्टीन का नीचे आ रहा है तो थ्री मतलब थ्री से पॉइंट फाइव कम कर दिया तो टू पॉइंट फाइव और एक कम कर दिया तो टू इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा टू बराबर है अब इसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन सेवन ऑक्सीजन कितना एट सेवन और एट कितना फिफ्टीन और इसमें प्लस है मतलब माइनस करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन फोर्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सॉरी फिफ्टीन होते हैं फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सॉरी फोर्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना थ्री अब कार्बन का कितना है आइटम नंबर सिक्स सिक्स और सेवन कितना होगा फिफ्टीन सिक्स और इसका सेवन कितना होता है सिक्स और सेवन कितना हो जाएगा जो जोड़िए सिक्स प्लस सेवन कितना हो जाए थर्टीन और माइनस चार्ज है तो प्लस वन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फोर्टीन तो इसमें फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है फोटीन इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर थ्री एट नाइटी सेवन सेवन फोर्टीन 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 इलेक्ट्रॉन इसमें इसके पास भी है फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री मतलब ये तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है यही डिफरेंट आंसर इसका ए हो जाएगा क्वेश्चन बोला है द स्पेस हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सी ओ सी ओ का फोटीन है तो इनके सेम है तो डिफरेंट ये सिक्सटीन मतलब बॉर्ड ऑर्डर थ्री ऐसा आपको निकालना आया समझ में आया एक क्वेश्चन ये हो गया आपके पास देख लीजिए स्क्रीन शॉट निकाल लीजिए अब दूसरा क्वेश्चन और एक देता हूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो मतलब कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप करेंगे ना तो आपका लेवल कुछ और ही रहेगा उसके अंदर ठीक है ना अब एक और क्वेश्चन देता आपको मैं देख लीजिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉमन देख लीजिए द कॉमन फीचर The common features among among the species. आपका बॉन्ड ऑर्डर का पूरा कार्यक्रम ही हो गया अभी देख लीजिए लेवल भी मैं हाई रखा हूं क्वेश्चन का साइनाइड आयन लिया कार्बन ऑक्साइड लिया एंड उसके बाद फिर लिया यहाँ पर लिया है NO प्लस एन ओ प्लस आर चल देता हूँ एन ओ प्लस आर तो ऑप्शन उन्होंने ऐसे दिए हुए जरा देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर थ्री बॉन्ड ऑर्डर थ्री एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बी ऑप्शन ऐसा बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर और, बॉन्ड ऑर्डर थ्री बॉन्ड ऑर्डर कितना है थ्री एंड वीक एंड वीक एंड वीक फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड उसके बाद सी ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर टू एंड एक्सेप्टर्स बोल रहा हुआ एक्सेप्टर्स और डी ऑप्शन है यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक एंड वीक फील्ड लीग हम्म क्या हो सकता है आंसर आप सोचिए द कॉमन फीचर्स अमंग द स्पेसिस सी एन माइनस सी ओ और एन ओ प्लस तो अब इनका पहले सबको बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए कितना आने वाला है अभी हम लोग निकाल के देखा है ऑर्डर मुझे लगता है सबके थ्री थ्री बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाले हुए अभी टेबल में अभी देखा था हमने थ्री 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 मतलब फोर्टीन 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 सबके आएंगे आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो तो बॉन्ड ऑर्डर थ्री है मतलब इन दोनों बॉन्ड ऑर्डर थ्री है लेकिन अभी इनमें यहाँ पर थ्री थ्री मतलब ये दो ही मैच होगा इसका तो होगा नी टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक वीक फील्ड बोल रहा है तो कुछ नहीं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है इलेक्ट्रॉन सेम सबके के फोर्टीन फोटीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वीक फील्ड नहीं है वीक फील्ड नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये सारे अगर हम कॉर्डिनेशन कंपाउंड में जाते हैं तो तो वीक फील्ड नहीं है ठीक है ना तो इसका मतलब ये वीक फील्ड तो ये भी रॉन्ग हो गया वीक फील्ड ये भी रॉन्ग होगा कि वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मान लो ये सारे स्ट्रॉन्ग अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होंगी तो ये तो यही ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई है एक्सेप्टर नहीं है क्योंकि लोन पेयर होते डोनेट करेगा इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए तो ये थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर प्लस आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐड हो गया है आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दो क्वेश्चन करा दिए मैंने अभी तो आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया अभी आप क्या कीजिए अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को बताइए ठीक है ना और लाइक करने बताइए शेयर करने बताइए सब्सक्राइब करने बताइए ठीक है ना तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट्स में डाल के बताइए ज़्यादा ज़्यादा बताइए अगर आप ज़्यादा बताएंगे तो उतना अच्छा रहेगा सारे दोस्तों को भी आपका भला हो जाएगा आपका भी हो ही रहा है दोस्तों का हो जाएगा ठीक है तो मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ बहुत टाइम ले लिया है ठीक है चलिए